नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड गुड हेल्थ। संडे का दिन, और संडे का दिन कोशिश होती है कि क्यू एन ए का सेशन हो, तो आज हम आपके सामने क्यू एन ए का सेशन लेके आए हुए। क्रिकेट के ऊपर कम से कम बात करेंगे और आपके सवालात लेंगे जो क्रिकेट से रिलेटेड हो भी, और बहुत ऐसे सवाल लेंगे जो ज़्यादातर क्रिकेट रिलेटेड ना हो, क्योंकि जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा चल रही है अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका सीरीज़, इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज़, पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहा है, और सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो होने जा रहा है वो आज है साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वेरी गुड टू सी दैट बोथ द एशियन टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल्स इन साउथ अफ्रीका, एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट जो है ना बोथ द टीम्स को। ऑल द बेस्ट हो गया, अब मैं शुरू करूं? करें। नमस्कार, सलाम, हेलो, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग? फाइनली वी आर बैक आफ्टर 2 वीक्स, और पिछली वीडियो में आप लोगों ने व्यूज़ ही नहीं दिए। किसी ने कहा बोर हो गया, किसी ने कहा लंबा चला गया, किसी ने कहा फ्लैट हो गया, कम आया करें। तो मैंने कहा चले आप लोग बोर ना हो इसलिए ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आए मैसेजेस, रिक्वेस्ट आ रही थी 2 हफ्ते से कि हम वाकई आप लोग का ये मिस कर रहे हैं, और भैया भाभी को साथ में लाए और भाभी के साथ शो करें, और हमारा शायद वाहिद ऐसा शो है यूट्यूब का जो क्रिकेट से रिलेटेड भी है लेकिन फैमिलीज भी बैठ के देखती है हर जगह, इंडिया में शायद में भी, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हम आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं, दानिश शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन उससे पहले कि हमारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे कि YouTube अर्निंग फर्स्ट आ गई है इसी हफ्ते में, और इसके लिए आप लोग को जितना थैंक यू कहो, धन्यवाद कहो कम बहुत है, बिकॉज कि आप लोग का ही सबका हाथ है इसमें, सपोर्ट जो आप लोगों ने दिखाया। और शायद इनकी कोई पॉलिसी होती है कि अर्निंग्स नहीं बता सकते, लेकिन आप किसी इशारों में बता सकते हैं, तो अगर इशारे में बताए तो यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो आईफोन 11 प्रो मैक्स है उसकी जो कीमत है तो वो हमारी पहली अर्निंग, तो आप लोग पता लगा ले कि क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं आप लोग के सवालों से। बहुत कम सवाल आए हैं आप लोग के, लगता है इंटरेस्ट ख़त्म हो गया आप लोग का, तो चलो जितने हैं उतने ले लेते हैं। दानिश, पहला क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड यात्रा से है, अच्छा ये भी यात्रा वाला ही है। दानिश भाई, आप और भाभी जी इंडिया घूमने आना चाहेंगे तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? विच सिटी यू लाइक मोस्ट? मैं तो इंडिया 3 दफ़ा आ चुका हूँ, 2 दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ जो सीरीज खेलने आया था, और उसके बाद हम 3 साल पहले ही जो है हमने जो है इंडिया विजिट किया था, जहाँ मैं, मिसेस और जो है मम्मी जी के साथ, मम्मी जी साथ ही, क्योंकि मम्मी जी की मन्नत भी थी कि उनको शिरडी जाना था, और हम शिरडी गए, सिद्धि विनायक गए, और अंबा जी गए, और बहुत सारे मंदिर में गए, बहुत सारे मंदिर हमने घूमे। और इंडिया आने का तो बहुत शौक है हमें, इंडिया से तो अलग ही लगाव है, बहुत प्यार है इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे भगवान की धरती, भगवानों की धरती। और आप तो आप लोग भी जुड़ गए हैं हमसे, और ज्यादा मजा आने वाला है अगर कभी हम इंडिया आए तो। जी हाँ, इंडिया अपना बिल्कुल हम आएंगे। और इन्होंने जो सवाल किया हुआ है कि सिटीज बताएं, देखिए पूरा इंडिया घूमने का शौक है, शिमला नहीं गए? शिमला बड़ी खूबसूरत जगह है, हमने अक्सर फिल्मों में देखा। मुझे तो पूरे इंडिया घूमने का शौक है, और जो है गुजरात और मुंबई जो मैं गया हूँ, वैसे बेंगलोर वगैरह भी है, बहुत सारी जगह है, तो ये है कि और बिल्कुल हम तो आना पसंद करेंगे बहुत जल्दी। ओके, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है पीयूष चौहान से, हु इज योर टफेस्ट बैट्समैन इन योर प्लेइंग एरा? पीयूष जी, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी और मैं अपना 3रा टेस्ट मैच खेल रहा था, आई वाज बॉलिंग अगेंस्ट द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप, और उस टाइम पर स्टीव वॉ मेरे सामने आए, तो उन्होंने मेरे एक ही ओवर में है 22-25 रन ले लिया, और मुझे पता नहीं चला कि मैं उनको कहाँ बॉल करूँ, तो वो मैंने उनको फर्स्ट टाइम बॉल की थी, और मैं हमारी उनके साथ दो जो है तो अपना
तीन टेस्ट मैच की सीरीज थी, लेकिन मुझे सीखने को बहुत मिला। लेकिन उसके बाद जब मैं अपना ग्रूम होता गया, मैच्योरिटी आई, तो जो टफ बैट्समैन मुझे लगे बॉल करने में वो लगा ब्रायन लारा नंबर वन, सेकंड रिकी पॉन्टिंग, एंड देन जो है जो इंडियन बैटिंग है, क्योंकि इंडियन बैटिंग जो है स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, तो राहुल द्रविड, वीवीएस लक्ष्मण, ये ऐसे प्लेयर थे, और ऐसे बहुत ऐसे प्लेयर थे कि जिनको टफ होता था बॉल करने के लिए, बिकॉज वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए रामनिवास साहू का, आप दोनों का बेस्ट इंडियन प्लेयर कौन है ऑल टाइम में? पहले आप बताएं। मैं ना, मुझे क्रिकेट इतना नहीं, अभी थोड़ा देखती हूँ, तो मुझे एमएस धोनी पसंद है और विराट कोहली पसंद है। देखिए, अगर ऑल टाइम ग्रेट की बात करें, इंडिया हैव प्रोड्यूस नंबर ऑफ क्रिकेटर्स व्हिच हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर इंडिया, और इंटरनेशनल स्टेज पे भी उन्होंने बड़ा नाम किया है। सुनील गावस्कर जी की बात करें, उनको मैंने देखा नहीं खेलते हुए, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं, उनके स्टैट्स बताते हैं, और फिर सचिन का स्टैट्स बताता है, राहुल द्रविड हो गया, वीवीएस लक्ष्मण हो गया, लेकिन इन सब प्लेयरों में जो मैंने प्लेयर देखे, मैं देखता हूँ प्लेयर को कि कौन सा प्लेयर अपने कंधे पे रख के टीम को जिताता है बॉलिंग में या बैटिंग के अंदर, तो वो दैट्स द मेन थिंग। आप जितने 100 कर दे, जितने आप आउट कर दे, लेकिन आपकी टीम नहीं जीतती है, तो आपके 100 और विकटे कोई मायने नहीं रखता, टीम मायने रखती है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीतनी चाहिए। मेरे लिए अगर इंडिया टीम की अगर बात करें, तो मेरे लिए जो है, मैं इम्प्रेस होता था जब मैं सौरव गांगुली को देखता था, राहुल द्रविड हो गया, ये ऐसे प्लेयर थे कि टीम को लेके चलते थे, और अभी रिसेंटली विराट कोहली है और रोहित शर्मा, रोहित शर्मा की जो इनिंग है, जो बैटिंग है, वो लगता है कि टीम को लेके चलता है। तो ये काफ़ी प्लेयर हैं, एक या दो को हम नहीं कर सकते, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में अनिल कुंबले हो गया, जवरग्रास श्रीनाथ होते थे, तो ये बॉलर्स काफ़ी हैं, हरभजन सिंह हो गया, हम एक का, इन इतने सारे प्लेयरों में से एक को चूज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जी। ये रोहित चौहान का है कि दानिश भैया, बड़े भैया, बड़ा सॉफ्ट सा क्वेश्चन है ये, आपको सिंगर कौन से पसंद है? इंडियन, इंडियन गाने सुनता हूँ और इंडियन मूवीज देखता हूँ। जब देखो लगे हुए रहते हैं। किशोर दा, लता मंगेशकर जी, बहुत सारे लिस्टे आ जाएगी, अरिजीत सिंह अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा होगा, गजल में जगजीत सिंह को बड़ा पसंद करता हूँ सुनने में, और साथ में गाते भी है, बाथरूम सिंगर टाइप। कोशिश करता हूँ, लेकिन वैसा गा नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। लिरिक्स कहीं और जा रही होती है, ये जो कहीं और जा रहे होते हैं। सिंगर्स है, ये छोटी लिस्ट है, लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है। लेकिन ये जो है, ये किशोर दा, लता मंगेशकर जी, तो ऑल टाइम एवरग्रीन, फिर उसके बाद अरिजीत सिंह हो गए, ये अपना, इनकी जो गानों के अंदर देखे, गाना सुनना, और अगर आप जगजीत की गजल सुनते हैं तो मायने होते हैं, तो मेन चीज़ मायने मैटर करती है, कि उस गाने के अंदर मायने हो, इसलिए इंजॉय करता हूँ। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चंस बहुत है, बट विल कंटिन्यू श्योरली, और आप लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस देते रहें, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दें, आप लोग के क्वेश्चंस आना भी बंद हो गए, व्यूज़ आना भी बंद हो गए, इसीलिए फिर हम लोग अभी मोटो डाउन हो जाता है, और ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हिंदी में ना लिखे, हिंदी नहीं आती हमें पढ़ना, हमें हिंदी सिखाई गई है स्कूल में, हम यहाँ ही रहे तो हमें हिंदी नहीं सिखाई गई, आपके स्कूल नहीं आती हमें, स्कूल किससे याद आया कि अंकित वर्मा जो है ना, एवरी टाइम आउट ऑफ क्वेश्चन, आप आज मुझे आपसे पूछना है कि आप आउट ऑफ ट्रैक क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं कि आपके खेत हैं, फ्रूट्स इतने सारे बना देते हैं, वेजिटेबल्स बना देते हैं, फिर कभी पूछते हैं कि स्कूल में अटेंडेंस होती है, प्रेजेंट मिस होती है भाई, सब स्कूलों में होती है, फिर कभी पूछते हैं हिंदी पढ़ाते हैं कि इंग्लिश पढ़ाते हैं कि उर्दू पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, हमने हिंदी नहीं पढ़ी है, हाँ हिंदी बोलते हैं हम, बोलते हैं हम, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम गुजराती है, गुजराती बोल सकते हैं, गुजराती पढ़ना नहीं आता, मम्मी को आता पढ़ने, फादर थे पहले उनको आता था, लेकिन अभी जो है हम स्कूलों में नहीं है इसके, हमने सीखा नहीं है ना, हमें सिखाया गया है नहीं, बट यहाँ मंदिर वगैरह में जो है वो होती है, क्लासेस होती है, सत्संग की होती है, उसके अंदर हिंदी और गुजराती सिखाते हैं पढ़ना लिखना,
और आप लोग प्लीज़ अपने व्यूज़ दें, और बहुत सारा सपोर्ट ये आता है कमेंट्स के अंदर के सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, सपोर्ट करो। सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोग वो 200K प्लस है हमारे, लेकिन देखें ना व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा है, तो सब्सक्राइबर्स से सपोर्ट नहीं मिलती, व्यूज़ से सपोर्ट मिलती है जिसके ऊपर वो एड्स आते हैं। और आप लोगों का थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने का, लेकिन द बेस्ट वे टू सपोर्ट अस टू प्लीज़ व्यूज़ दें, वॉच करें हमारी वीडियोज़, लाइक करें, शेयर करें, और वो जो नीचे बेल का आइकॉन आता है ना घंटी, उसे प्लीज़ बजाएं, ताकि आप लोग को हमारा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल।